वेस्ट यूपी की सीटों पर पहले और दूसरे चरण में चुनाव है और भाजपा को जाटों की अब बहुत याद आ रही है। आखिर जाट इतना अहम क्यों है, इस पर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी करीब 2% के आसपास है, लेकिन वेस्ट यूपी में आबादी करीब 18% है। वेस्ट में कहावत भी है कि जिसके जाट उसके ठाट। जब तक रालोद के साथ जाट रहे तो मुस्लिमों को भी साथ मिला और चुनावों में रालोद का प्रदर्शन दमदार रहा। लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से समीकरण बिगड़े और बड़ी संख्या में जाट वोट भाजपा के साथ चला गया। जाट मुस्लिम समीकरण भी टूट गया। ऐसे में भाजपा को 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में वेस्ट यूपी में प्रचंड जीत मिली। लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान वेस्ट यूपी के जाटों में भाजपा के प्रति नाराजगी बढ़ी। नाराजगी के गन्ना भुगतान की समस्या समेत विभिन्न कारण हैं। एक कारण यह भी रहा कि रालोद के ताकत में रहने पर जाटों की जो पूछ हुआ करती थी वह भाजपा की सरकार में नहीं रही। हालांकि केंद्र से लेकर सूबे की सरकार में जाट मंत्री भी हैं, लेकिन वो बात नहीं रही। ऐसे में जाटों का रुझान अब रालोद की तरफ हो गया है और किसान आंदोलन से जाट मुस्लिम के बीच खाई भी पटी गई है। रालोद का सपा से गठबंधन है। वेस्ट यूपी की 40 से अधिक सीटों पर तो जाट और मुस्लिम वोट बैंक सीधे सीधे निर्णायक है, अन्य सीटों पर भी संख्या काफी है। ऐसे में भाजपा में खलबली मची है। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस जाटों पर ही है। जाट नेताओं के साथ शाह ने बैठक भी की, साथ ही बार बार मुजफ्फरनगर दंगे का मुद्दा भी भाजपा नेताओं की ओर से उठाया जा रहा है। यह संदेश भी भाजपा देना चाह रही है कि अखिलेश का जयंत के साथ जाना ठीक नहीं है। बुलंदशहर में अमित शाह ने कहा कि सपा की सरकार बनी तो जयंत बाहर होंगे और आजम खान जेल से आकर सरकार में होंगे। शाह ने यह भी कहा कि जयंत बाबू गलतफहमी में है, जो यानी अखिलेश यादव जब चाचा पापा की नहीं सुनता वह जयंत की क्या सुनेगा। शाह तो जयंत को भाजपा गठबंधन में शामिल होने का न्योता भी दे चुके हैं और जयंत भी जवाब दे चुके हैं कि वह चवन्नी नहीं जो पलट जाए। भाजपा की बौखलाहट है या कुछ और, लेकिन यह साफ है कि इस चुनाव में जाटों का रुख बेहद अहम होगा। भाजपा की अंतिम समय तक जाटों को अपने पाले में करने की हर संभव कोशिश रहेगी। इस बीच अखिलेश यादव ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। कहा कि हमारे साथ जयंत चौधरी जी हैं और जब से वह साथ आए हैं उत्तर प्रदेश की हवा बदल गई है। जहां सूरज डूबता है यानी पश्चिम में भाजपा को डुबाने का काम जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। हमारे साथ जयंत चौधरी जी हैं, जब से ये साथ आए हैं उत्तर प्रदेश की हवा बदल गई है। बताओ हवा बदली कि नहीं बदली। दरअसल रालोद का कोर वोटर जाट है, लेकिन जयंत अखिलेश ने जाट मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने के लिए कई सीटों पर रालोद के सिंबल पर भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। खैर, जाट समाज में चर्चा है कि यह चुनाव अस्तित्व और मान सम्मान का चुनाव है। वैसे भी चौधरी अजीत सिंह अब नहीं रहे और जयंत चौधरी का उनके जाने के बाद पहला चुनाव है। ऐसे में जयंत के साथ ही वह सपा का साथ देने के भी मूड में दिखाई दे रहे हैं। भाजपा जाटों को दंगे के मुद्दे से साधना चाहती है, लेकिन भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भाजपा पर ही दंगों का आरोप लगाकर भाजपा की उम्मीदों को जमीन दिखाने का काम कर रहे हैं। 5 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वेस्ट यूपी के शामली में आ रहे हैं। शामली शहर और जलालाबाद में वह जनसभा करेंगे। निश्चित रूप से कैराना पलायन का मुद्दा तो वह उठाएंगे ही, साथ ही जाटों के साथ ही अन्य जातियों को साधने की भी कोशिश होगी। लेकिन सबसे अधिक निगाहें इसी बात पर हैं कि वह जयंत चौधरी को लेकर क्या बोलते हैं।